हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट ऑफ द डकोटा, जो कि द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वंस अ पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। एक बार ओल्ड डकोटा के पायलट प्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली। वो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, या बहुत ही आसान फ्लाइट था। एंड एवरी थिंग वॉज राइट एट दैट टाइम, और उस समय सब कुछ अच्छा था। सडनली अचानक ही वॉज सराउंडेड बाय स्टॉर्म क्लाउड्स, उसे तूफान भरा बादल से वह अचानक घिर गया। Which looked like black mountains standing across the sky, जो ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई देने लगा। Standing across the sky, आकाश में। He realized that he could not fly over them, उसने महसूस किया कि वह उसके ऊपर से नहीं उड़ा सकता है। He wanted to go back to Paris, वह वापस पेरिस जाना चाहता था, क्योंकि वह अभी फ्रांस में ही था और फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। But he was very keen to reach home, लेकिन वह घर जाने की बहुत ही इच्छा थी, बहुत ही वह कीन था, डिजायरस था। सो ही फ्लू हिज ओल्ड डकोटा इन टू द स्टॉर्म, इसलिए वह अपने ओल्ड डकोटा को बादलों में, आंधी भरे जो भी बादल थे उसके बीच से उड़ा, यानी एक तरह से उड़ा दिया। द पायलट फाउंड दैट द कंपास एंड द रेडियो ऑन द प्लेन वर नॉट वर्किंग। पायलट ने यह पाया कि जो कंपास है जिसे डायरेक्शन का पता करते हैं और जो रेडियो है वह काम नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट एनी वन, वह किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड ही डिड नॉट नो इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई, अब से पता नहीं था कि वह किस डायरेक्शन में प्लेन को उड़ाए। देन ही सो अनदर प्लेन क्वाइट नियर हिम, वह अपने नज़दीक एक दूसरे प्लेन को देखा। ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वह उस अजीब एरोप्लेन को फॉलो किया। एंड केम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, और उस स्टॉर्म क्लाउड्स से वह बाहर निकल गया। देन ही कुड नॉट सी द ब्लैक एरोप्लेन विच हैड गाइडेड हिम थ्रू द क्लाउड्स, लेकिन वो दोबारा उस ब्लैक एरोप्लेन को और नहीं देख पाया जो उसे गाइड किया उस क्लाउड से निकलने के लिए। When he landed at the airport, जब एयरपोर्ट में वह लैंड किया, he was surprised to know that, वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया, there were no other aeroplane flying that night, कि उस रात कोई दूसरा प्लेन उड़ा ही नहीं। He could not understand who had helped him to arrive safely at the airport, वह समझ नहीं सका कि उसे किसने मदद किया एयरपोर्ट तक सेफली पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक तरह से मिस्टीरियस स्टोरी है। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।